नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पहुंचे राकेश टिकैत परिवार सहित लिया आरती महोत्सव। मुजफ्फरनगर लक्सर से गाजीपुर बॉर्डर जाते समय मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने शिव चौक पर परिवार सहित शाम की महाआरती में हिस्सा लिया। इस मौके पर राकेश टिकैत के पुत्र चरण सिंह टिकैत और भागीयू अध्यक्ष नरेश टिकैत के पुत्र गौरव टिकैत ने शिव चौक पर 51 किलो का घंटा भी चढ़ाया। इस दौरान राकेश टिकैत का पूरा परिवार शिव चौक पर मौजूद रहा। राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय मार्ग होकर के जो भी गुजरता है, मैं जब भी यहाँ से गुजरूंगा तो शिव चौक से होकर के भगवान शंकर का आशीर्वाद लेकर के गुजरूंगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के लिए कहा कि इन्हें इस कचरे में पड़ने की जरूरत नहीं है, उनकी तो सरकार ही नहीं सुनती है, इसलिए वह किसानों की समस्याओं से दूर रहे। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक टिकैत परिवार का नाम रहेगा और भगवान शंकर का मंदिर रहेगा, तब तक यहाँ पर घंटा हम बांधते रहेंगे। चौधरी राकेश टिकैत के काफिलों में सैकड़ों गाड़ी मौजूद रही। शिव चौक पर महाआरती के दौरान हर हर महादेव के नारों और घंटे घड़ी अद की आवाज से शहर का हृदय स्थल गुंजमान रहा। मुजफ्फरनगर में आगमन करने पर चौधरी राकेश टिकैत की जगह जगह पर उनके कार्यकर्ता और समर्थकों ने फूल बरसा करके भव्य स्वागत किया। मीनाक्षी चौक पर जम करके आतिशबाजी भी की गई। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। वे खुल का बताओ ना, आपने एक धार्मिक नेता की हत्या की बात कही थी चुनाव से पहले। भाई यहाँ तो धार्मिक नेताओं की हत्या ही तो हो रही है, जब से सरकार आई करीब 24 महात्मा मर लिए। ठीक है, तो मेरे को गलत कह दिया था। अभी कुछ दिन पहले कहा था प्रयागराज में अभी एक उत्तर प्रदेश में महात्मा की हत्या हो गई। नहीं नहीं, मैं तो ये कहा है कि ये कुछ ना कुछ कर्म कांड करवाओगे। 24 महात्मा मर लिए इन्हीं की सरकार में। प्रयागराज में भी दो दिन हाँ महात्माओं की तो हत्या हो रही है, और किसकी हो रही है। अच्छा, संजीव बालियान का कहना है कि हम तो सरकार तैयार है, किसान जो है शरत रख के आ रहे हैं। अगर दोनों तरफ ना ना सरकार शरत रखती है, उनको नहीं पता भाई उसको कौन बता रहा वहाँ पे। इन्हें तो जितना कहा जाए इतना ही तो बोलते हैं, इनकी भी मजबूरी है। आदमी तो ठीक है, गलत उसमें फंस रहा, जो कुछ वे कहेंगे उतना ही बोलेंगे। ठीक है सर, संजीव बालियान मध्यस्थता की बात कह रहे हैं, कल भी एक कार्यक्रम में कहा उन्होंने लखनऊ उनकी नहीं चलने की, उसको इस पछेड़े में पड़ना नहीं चाहिए। क्यों अपने आप को भी बदनाम करवा भाई? ठीक है सर, दोबारा मुजफ्फरनगर कब आएंगे भाई? जब इधर को कहीं आके प्रोग्राम होगा कभी को आएंगे तो फिर आएंगे। नहीं नहीं, घंटा नहीं चढ़ाया, घंटा बजाया। हाँ घंटे तो चढ़े हुए हैं यहाँ पर, जब जरूरत पड़ जाएगी फिर चढ़ा देंगे। आए तो आए भाई, मुजफ्फरनगर का दिल है, मुजफ्फरनगर का सेंटर पॉइंट है, जीरो पॉइंट है ये मुजफ्फरनगर शिव चौक। यहाँ से ही मुजफ्फरनगर की शुरुआत होती है, तो आज यहाँ पर आए, इस रास्ते से निकल रहे, और जो जीरो पॉइंट बना हुआ जो भगवान शिव के स्थान पे ना जाए मुजफ्फरनगर को निकलने वाला आदमी, तो हम तो बाहर ही है ना। अब तो भाई 10 महीने से बाहर रह रहे, तो बाहर ही है। तो मुजफ्फरनगर पाए, शिव चौक पाए, भगवान शिव के आरती की उसमें शामिल हुए, यहाँ के पुजारियों का, यहाँ के प्रेस के लोगों का, प्रशासन का, जिन्होंने 5 तारीख की मीटिंग में सहयोग दिया, उनका धन्यवाद करने आए, सबका धन्यवाद, पूरे शहर के वासियों का धन्यवाद, पूरे जो दुकानदार हैं यहाँ पर उनका धन्यवाद, और सबने बहुत सहयोग उस 5 तारीख वाली मीटिंग। कब तक रहेंगे, घर वापसी कब करेंगे? घर वापसी करेंगे, घर वापसी करेंगे जब कानून वापसी हो जाएगा, सरकार बातचीत कर लेगी और एक समझौता हो जाएगा। अच्छा क्या 26 तारीख में किसान पंचायत फिर दोबारा से हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ आज योगी ने भी करी वहाँ अमरोह में जी, आकर रहे तो करने दो, इनको सबको पंचायत करने का अधिकार है। हर हर महादेव कह रहे कि वो बीजेपी पंचायत है, तो क्या किस तरह का उपद्रव? अरे अच्छा बीजेपी वालों को भी कर ले तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा आपका ओवैसी का चाचा जान कहना बड़ा वो रहा। नहीं ये तो सरकार ने नाम दिए भाई, अब्बा जान दिया, चाचा जान दिया, वे किसको क्या कहते, तो सरकार के नाम दिए हुए हैं। बीजेपी के MLA MP का ये भी कहना है कि अगर हर हर महादेव अल्लाह ऊपर राकेश टिकैत बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका धर्म भी अपना लेना चाहिए, अल्लाह को ऊपर के नारे से बड़ा विरोध है उन्हें। अच्छा इनकी वोट तो बहुत जा रही उनको, ये नारा देश के संविधान में है। ये जो घंटा चढ़ा था यहाँ पे, इसको मोहम्मद जुल्फिकार इसको लेकर आया, 50 किलो वजन वो लेकर यहाँ पाया और यहाँ खड़ा रहा जब तक ये संगल में नहीं बंधा। तो इसको तो नहीं कहा किस किसने
उनके धर्मों से अब अपना घर बनवाया है। जो बीजेपी के लोग हैं, किस किस ने उस धर्म से अपना मकान बनवाया, उनको मकान छोड़ देना चाहिए और फिर भी हमको बात बतावे कौन उनके घर पे काम करता है या नहीं करता, वे कितनी नफरत उनसे करते हैं वे बतावे, वो मकान उनका किसने बनवाया, वे जो कपड़े